लोकसभा चुनाव की मतगणना में अब कुछ ही घंटों की देरी है। साथ ही नतीजों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम दलों के प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। वहीं महासमुंद के कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर निश्चित हैं और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी धनेन्द्र साहू से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। सुबह से मतगणना होना है और इस वक्त हमारे साथ महासमुंद के प्रत्याशी धनेन्द्र साहू जी है, आइए इनसे जानते हैं। सर, कैसा लग रहा है अभी कुछ चंद घंटे ही बचे हैं मतगणना में? निश्चित तौर पर बहुत उत्साहित हैं हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी, सभी उत्साहित हैं, अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आशान्वित हैं और अब वो इंतजार घड़ियां समाप्त हो रही है। बहुत जल्दी हमारा गिनती का कार्य प्रारंभ होगा और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव हमारे संसदीय क्षेत्र में भी आएगा और पूरे प्रदेश में और देश में आएगा। चूंकि आप प्रत्याशी हैं, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर जीत को? अच्छी तरह से कि काफी अच्छे मतदान अंतर से जीतेंगे। लोगों ने हम पर जो विश्वास व्यक्त किया है, जो रुझान दिखाई दिया, उस पर हम लोग अत्यंत विश्वास के साथ कह रहे हैं परिणाम हमारे पक्ष में है। साहू जी, जैसे ईवीएम की बात करें तो तमाम सवाल उठते रहे हैं हर बार की हैकिंग हुए, क्या लगता है आप क्या? निश्चित तौर पर आज वर्तमान में जितने भी देश में अनेक ईवीएम से जुड़ी हुई घटनाएं आ रही है उनको लेकर के स्वाभाविक है चिंता करना, आशंका करना और संदेह के दायरे में निश्चित तौर पर ईवीएम मशीनें हैं। आप निर्वाचन कार्यालय आज पहुंचे हैं, किस बात को लेकर चर्चा हुई, क्या शिकायत की? सारी बातें हम लोगों ने बता भी दिया है। वहां पर गरियाबंद में उसको जियो के टावर से मशीन को प्रभावित करने की साजिश की जानकारी मिली हम तक आई, उसकी शिकायत हमने निर्वाचन आयोग में किया है कि जियो के टावर्स को सब बंद कर दिया जाए और उसमें जो छेड़खानी की संभावना है उसको समाप्त की जाए। कितने सीट ला रही है? प्रदेश में हम लोग 11 की 11 ला रहे हैं। ये थे हमारे साथ महासमुंद प्रत्याशी धनेन्द्र साहू जी, जिनका कहना है कि हम प्रदेश में 11 का 11 सीट ला रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। भोपाल के बेरसिया में इन दिनों भीषण जल संकट देखा जा रहा है।